तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबा केसरी। हेलो अजय, कैसे हो? मेरा काम नहीं चल रहा यार, मेरे को भी ले लो यार विमल में यार। ठीक है, तुम भी आ जाओ, दोनों जुबा केसरी बोलते हैं। ए अजय, ए मेरे को भी लेना, ए मेरे को भी लेना, जुबा केसरी बोलूँगा मैं भी। ठीक है, तू भी आ जा, तीनों मिलके जुबा केसरी बोलते हैं। विमल बोलो जुबा केसरी। तो क्या हाल है दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में, वो जो हिंदी को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी उसके ऊपर पूरे डिटेल में मैंने बताया कौन सही है कौन गलत है, तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ विमल के ऊपर। अब विमल से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मैं नाम लूंगा विमल यूनिवर्स के जो लीड एक्टर है, या मैं कहूँ लीडर है, अजय देवगन। तो आज मैं बात करूंगा अजय देवगन की। एंड जो सेकंड लीड है शाहरुख खान, और जो थर्ड लीड है न्यू एंट्री है जिनकी, या जिनको खिलाड़ी बोलते हैं, अक्षय कुमार। तो देखो बात यह है कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी, इतने सारे ऐड करने के बाद, इतने सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद, प्लीज सबर कराए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतनी सारी मूवीज करके पैसा कमाने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं है, इन लोगों को पैसा कमाना है। चाहे इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनसे इंस्पायर होते हैं, इनको सुनते हैं, इनकी फिल्म देखते हैं, उन पे उनके जीवन पे कोई भी प्रभाव पड़े, इनको कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, तो देखो हम सबको पता है बॉलीवुड के बुरे दिन चल रहे हैं, और इसमें गलती भी बॉलीवुड वालों की है। कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, नया कुछ क्रिएट करना नहीं है, वही सेम ड्रामा जो पिछले टाइम में देखते हुए आ रहे हैं। तो भैया फ्लॉप तो होनी है, जो कि हो रहा है। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है, गलती बॉलीवुड की है तो भुगत भी बॉलीवुड रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि जो अजय देवगन है वो शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शाहरुख खान की जो है शाहरुख खान वो अक्षय कुमार के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अक्षय कुमार अजय देवगन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब तीनों की काफ़ी अच्छी बनती है। तो अजय देवगन के बारे में क्या कहना, उनका करियर तो ऐसे डगमगाता रहता है, उनकी कोई मूवी चल जाती है, कोई मूवी नहीं चलती है, मतलब ऐसा ही है। ही इज एन वेरी गुड एक्टर, ठीक है, वहाँ पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मूवीज चलने की बात है ना भाई, पैसे तो उनसे आते हैं, उनकी फीस कौन देगा जब उनकी मूवीज चलेंगी नहीं। तो अजय देवगन ने विमल का ऐड करना शुरू कर दिया, उनको मोटी रकम मिलने लगी, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए उसके। शाहरुख खान का भी जो टाइम खराब चल रहा है, उनकी काफ़ी सालों से मूवीज चल ही नहीं रही है, टाइम तो वैसे भी खराब चल रहा था। तो भैया शाहरुख खान ने भी ज्वाइन कर ली विमल यूनिवर्स को। बचे अक्षय कुमार, वो कैसे आए? भैया अक्षय कुमार का भी टाइम खराब चलने लगा, उनकी जो पिछली मूवी अभी आई थी कुछ दिनों पहले बच्चन पांडे, वो फ्लॉप हो गई। अब इनको लगा भाई मेरी मूवी भी फ्लॉप हो गई, तो पैसे कहाँ से आए? अब जो हमारे अक्षय कुमार सर है वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करना ही है। अभी एक मूवी फ्लॉप होने के बाद उनके कुछ प्रोजेक्ट के काम रुक गए, कुछ प्रोजेक्ट के काम जो उनके पड़े थे उन्होंने पहले ही शूटिंग उनकी कंप्लीट कर दी, काम उन पर थोड़ा था नहीं, तो उन्होंने सोचा भाई कमाई तो करनी है कैसे ना कैसे। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अजय देवगन को कॉल किया कि भाई मेरे को कोई काम दिलवाओ, मेरे पे मतलब पैसा कमाना है, मेरे को ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना है। अजय देवगन ने उनको भी अप्रोच किया विमल यूनिवर्स में शामिल होने के लिए, भैया उनकी भी एंट्री हो गई नए खिलाड़ी की, खिलाड़ी कुमार की। तो इनको विमल वालों ने, भाई पैसा तो इनके पास कमी है नहीं पैसे वालों की, पूरे इंडिया में विमल धड़ल्ले से बेच रहे हैं ये लोग और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अक्षय कुमार को मोटी रकम दे दी, उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया। अब आलम यह है कि इसका जो प्रचार का लेवल है वो तो दुगुना तिगुना या चौगुना 5 गुना हो ही गया है, क्योंकि इंडिया के 3 बड़े सुपरस्टार विमल पान मसाला जिसे आपके दांत, आपको कैंसर होने का खतरा सब कुछ है, ठीक है, वो उसका ये लोग प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हम लोग कुछ दिन पहले 2 दिन पहले नैनीताल उत्तराखंड गए थे, जो कि यहाँ से जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है।
300 किलोमीटर दूर जाने पर जाने में हमें 300 ही इनके होर्डिंग्स दिखे, विमल पान मसाले वाले। मतलब इतना तगड़ा प्रचार, इतना ज्यादा पब्लिक को ये मतलब क्या बोले, अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो आप, ठीक है, तो मतलब क्या जरूरत पड़ गई यार, और मेहनत कर लो और अच्छी मूवीज बनाओ, वेट कर लो थोड़ा, हर चीज का टाइम होता है। क्यों क्यों जरूरत पड़ गई, इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है आप लोगों की, क्या उन पे असर पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो लोग, जहां पे अक्षय कुमार एक तरफ बोलते हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश को ये हो वो हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां एक तरफ विमल पान मसाला का ऐड, क्यों, वाई अक्षय कुमार। चलो अजय देवगन के बारे में मानता हूं, उनका करियर जैसे मैंने बताया डगमगा रहा है, तो उनको पैसे की जरूरत है भाई, उनकी फैमिली है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, उनको सस्टेन करना है, उनको स्टेबल करना है, लाइफ उनकी लाइफ को अच्छे से उनको देना है, तो उनको पैसे की जरूरत है, उनको मैं मानता हूँ विमल का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, और उनके प्रचार करने से, अकेले करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शाहरुख खान, उनकी इतनी अच्छी फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूंगा अक्षय कुमार की इतनी अच्छी फॉलोइंग है, उनको क्या जरूरत पड़ गई है करने की, फॉलोइंग का फायदा ऐसे उठाएंगे ये लोग गलत प्रचार करके। देखो मेरी नजर में ये सरासर गलत है, इनके इतने जो इतने बड़े जो इनके फॉलोइंग है उसका ये बिल्कुल फायदा गलत फायदा उठा रहे हैं, और चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि लोग खरीद ही क्यों रहे हैं, इन सबको खरीदना बंद कर दें, जब ये खरीदना बंद कर देंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं, कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट है वो बंद करना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट बंद होगा तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो जो इन लोगों को प्रचार का पैसा दिया जा रहा है वो भी नहीं दिया जाएगा, यही इसका तगड़ा सोल्यूशन है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी राय कमेंट में लिख देना क्या आप सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।